1940 अमेरिका की एक ब्लैक फैमिली, अश्वेत परिवार, पहले से ही बहुत बच्चे थे। एक बालिका का जन्म हुआ। बच्चों के साथ खेलना, मस्ती करना उसे अच्छा लगता था। तो स्कारलेट फीवर हो गया जब वो केवल 5 साल की थी और उसको पैरों में पोलियो हो गया। अब वो लंगड़ाकर चलती थी धीरे धीरे, और उसने जयपुर फुट की तरह से एल्यूमिनियम और लकड़ी के पैर लगाकर चलने का अभ्यास किया। वो चल रही थी। उसकी बड़ी बहन एक एथलीट थी, धावक थी, दौड़ती थी और बास्केटबॉल भी खेलती थी। छोटी सी लड़की टुकुर टुकुर कर निहारती रहती अपनी बहन को और एक स्वप्न पालती कि मैं भी कभी दौड़ूंगी। परंतु बहुत कठिन मार्ग था। 11 साल की आयु एक फैमिली डॉक्टर घर आया। डॉक्टर से पूछा इस लड़की ने, डॉक्टर मैं भी क्या दीदी की तरह दौड़ सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा, बेटे दौड़ तो नहीं सकती हूँ अभी, पर चल तो सकती हूँ ना। कैसी डॉक्टर? बेटे अगर तुम मालिश इस तरह से करोगी, डॉक्टर ने तरीका बताया, और व्यायाम ऐसे करोगी, डॉक्टर ने विधि बताई, तो तुम अच्छी तरह चल पाओगी, कुछ समय जरूर लगेगा। विल्मा रुडोल्फ नाम था इस लड़की का। बड़ी बहन की मदद से और डॉक्टर के कहने अनुसार उसने संकल्प लिया कि मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे कि मैं चल सकूं। उसी समय डॉक्टर के सामने उसने अपनी नकली टांग को फेंक दिया। डॉक्टर ने कहा, ये क्या कर रही हो बेटे? अभी नहीं। उसने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो चल सकती थी लंगड़ाते हुए धीरे धीरे बिना किसी सहारे के। उसको पता था अभ्यास से ही ठीक होगी। 13 साल की आयु में उसने स्कूल में प्रवेश किया। उसके मन में दौड़ने की इच्छा थी। वार्डन की अनुमति से प्लेग्राउंड में जाने लगी। रात को अकेली ठंड में कपड़े पहनकर गरम और दौड़ने का अभ्यास करने लगी। गिर जाती उठ जाती, गिर जाती उठ जाती, और उसके मन में संकल्प की शक्ति किसी प्रकार से कम नहीं हो रही थी। उसे स्कूल में रेस में भाग लिया। पता है उसका स्थान क्या आया रेस में? अंतिम। और भी ऐसा ही हुआ, परंतु वो तो अपने स्वयं के संकल्प की महारानी थी। जैसे दौड़ती रही, फिर वो सेकंड लास्ट आई, बीच में आई, सेकंड पोजीशन लाई, और 14.5 साल की उम्र तक आते आते वो स्कूल की रेस में फर्स्ट आई। अब वो स्कूल चैंपियन थी, वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनी, फिर वो स्टेट चैंपियन बनी। अमेरिका के अखबारों में उसका नाम आने लगा। किस प्रकार से एक विकलांग लड़की अपने स्वयं की हिम्मत के माध्यम से आज एक बहुत बड़ी थावत बन गई है। 1956 वो 16 साल की थी। मेलबोर्न के ओलंपिक्स में उसका चुनाव हुआ और वो ओलंपिक में भाग लेने के लिए पहुंची, किंतु उसे कोई मेडल नहीं मिला। वो वापस आई, हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई, और उसने अपने कोच की मदद से निरंतर अभ्यास करना आरंभ किया। वह रोज अभ्यास करती, वीडियो क्लिपिंग देखती बड़े बड़े धावकों के और स्वयं के भी, और उसका नाम सारे अमेरिका में फैलने लगा। 1960 रोम का ओलंपिक, 100 मीटर की दौड़ महिला वर्ग, और जीतने वाली कौन थी गोल्ड मेडल? विल्मा रुडोल्फ। 200 मीटर की दौड़ एक और गोल्ड मेडल, विल्मा रुडोल्फ। 100x4 मीटर की दौड़, विल्मा रुडोल्फ 3 गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने 3 गोल्ड मेडल जीते। प्रश्न उठता है कि ये विल्मा का आंतरिक अभिप्रेरणा का एक अध्याय है या बाहरी प्रेरणा का, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये इंटरनल मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसको डॉक्टर और बड़ी बहन की मदद से बल मिला। हम जीवन में कई बार ऊंचे संकल्प रखते हैं,
प्रेरणा मिलती है संकल्पों से, हम ऐसे स्वप्न देखते हैं कि वह संभव प्रतीत होते हैं, किंतु हमारा संकल्प हमारी शक्ति बन जाता है। हम योजना बनाएं, धीरे धीरे बढ़े, कर्मिष्ठा के माध्यम से, अध्यवसाय के माध्यम से, दृढ़ निश्चय के माध्यम से, लगन से, तल्लीनता से, और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए हम निश्चित रूप से विजयी हो सकते हैं। असफलता अपराध नहीं है, नीचे लक्ष्य रखना अपराध है। हजार बार गिर के भी एक बार फिर उठे और वे लक्ष्य की ओर बढ़े, भील माँ का यही संदेश है। अतः हम अपने अंतर्मन की शक्ति को जगा सकते हैं, स्वयं के संकल्पों को पूरा कर सकते हैं, स्वप्न को चरितार्थ कर सकते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, लगन से, उत्साह से, तल्लीनता से, जोश से, उमंग से, और निर्भीक होकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन, जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान हमारे अंदर छुपा हुआ है। मुझे उठने का रहस्य हमारे अंदर छुपा हुआ है। आंतरिक शक्ति का प्रकटीकरण करें और जीवन में आगे बढ़ने की तन्मयता को पूर्ण करने के लिए जूझ जाएं। कैसे सफलता नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी।